जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम है मिंटू, स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल मिंटू ब्लॉग। मिंटू ब्लॉग में तो हमारे करण अर्जुन लोग भी हैं। तो हम जाते हैं अभी आलोर मंदिर में दर्शन करे बा। वैसे अभी टाइम हो गए है 7:02 और हम अभी यहाँ से पैदल जाते हैं। और कल भी हम आए रहे और कल भी बहुत सारा भीड़ रही है और आज तो सुबह ही से बहुत भीड़ नज़र आते हैं। तो फिर कितना लंबा लाइन हुई दर्शन करे के, ये तो अभी आगे चल के पता चले। तो फिलहाल अभी चल रहे थे मंदिर साइड और आप मन देखो कल काय कुछ रेस। तो आप मन अभी फिलहाल कल के वीडियो ला एंजॉय करो, उसके बाद आगे चल के आज की वीडियो दिखाते हैं। तो ये है रास्ता वापस आए के और ये पर देखो तो है ऊपर चढ़ेगे। तो अभी चलते हैं थोड़े से ऊपर, ऊपर में काय कुछ है। वैसे तो आज शुरुआती दिन है तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है और कल आके देखो तो यहीं भीड़ भाड़ रही। तो यहाँ से चलना है ऊपर। तो यहाँ बसे है पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में माँ लिंगेश्वरी। और जहाँ पे हुई कल दर्शन व भक्तमन की भीड़ लगी। और वैसे तो आज शुरुआती दिन है तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो यहाँ पे लगने वाला है और कहाँ पे क्या है उतना तो नहीं पता, तो हम इधर चलते हैं। कहाँ है? तो ये पहाड़ बड़े से पहाड़ है, यहाँ पे घिरे हैं और अंदर में है माँ लिंगेश्वरी माता। तो अभी कल ये रास्ता खुला रहे तो अभी तो बंद है। तो अभी हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। तो ये रहे मंदिर और ये रहे रास्ता, और ये रास्ता लकल खुल है। अब काय कारण है ये रास्ता कि साल में एक बार खुलते हैं, हम आसपास कोई यहाँ के लोकल मिले तो पता करे की कोशिश करवो। और ये बड़ा सा चट्टान है यहाँ देख सकता हो, और इधर भी एक चट्टान है यहाँ और यहाँ एक चट्टान। तो ये रहे और इधर एक रास्ता है, यहाँ का कुछ है। तो इधर एक बैठक रूम सा है बहुत बड़ा, और ये देख सकते हो इतना बड़े पत्थर के बीचों बीच एक खोल सा बने हैं जहाँ पे बसे हैं माता लिंगेश्वरी। और इधर तो वैसे कुछ नहीं है, तो वापस चलते हैं हम। और जिस साइड से मैं पहले जा रहे हैं उधर से तो थोड़े थोड़े दर्शन होते हैं, इधर से तो रास्ता पूरी तरह से बंद है। और रास्ता में पूरी तरह बंद है और रास्ता भी थोड़े से छोटा है। तो फिर इधर से भक्तमन अंदर घुस के दर्शन करे बर दही या यहीं से दर्शन करे बर दही, ये तो बाद में पता चली, कल ही पता चले। तो ले चलते हैं और वापस, और वापिस ये रहे रास्ता। और इधर जो रास्ता है यहाँ से माँ लिंगेश्वरी थोड़े थोड़े दिखा थे, तो हम भी यहीं से देखे के प्रयास करें। एक देख सकता ये सब पत्थर से भी बंद है, तो ये पत्थरों के बीच से हम देखे की कोशिश कर रहे हैं। तो माता लिंगेश्वरी दिखा दे रही, तो रास्ता कल खुल है।
तो फिर कल अच्छे से दर्शन कर पाएं। लेकिन भीड़ भी इतना है, अभी देखें तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो कि चटाई बिछा के रखे हैं दर्शन करे बा, और चटाई बिछा के रखे हैं वो भी बहुत लंबा है। और ये देख सकता इधर है जंगल, और ये है एक पहाड़ के बीच में, ज़्यादा पहाड़ी तो नहीं है, छोटा सा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीपल के पेड़ और बड़ा सा पत्थर के बीच में है। तो फिर वापस चलते हैं, और नीचे में है मेला लगे है, यानी कि मेला वाला मन अभी सिर्फ अपन अपन सामान मतलब अपन अपन जगह सुनिश्चित करके रखे हैं। तो मोला अभी मिले हैं यहाँ के स्थानीय भैया मन, तो एरित भैया, भैया आप मन के क्या नाम है रे? वो नाम कौशल कुलदीप है। और आप मन कहाँ के है रहा? मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ। हाँ, तो भैया यहाँ मैं सुने हूँ कि ये मंदिर जो है साल में एक ही बार खुलते, तो उकर काय वजह है कि साल में एक ही बार ही खुलते? उकर वजह तो अभी मोला भी पता नहीं है, जैसे हमारे पूर्वज मन करते आते रही साल में एक बार खुले के, वही परम्परा अभी चलत। और मंदिर है ऐसे कौन से टाइम में खुलते और कितना टाइम बंद होते? मंदिर है खुल ही सुबह, मतलब ओकर जो प्रोसेसर है 3 बजे से स्टार्ट हुई सुबह, मतलब रात के से वो 5 बजे तक खुल जाए, ओकर बाद वो रात के 9-10 बजे तक क्लोज हो जाए। अच्छा, तो भैया अभी तक ये पता नहीं चले कि काय वजह से है कि एक ही बार दर्शन, यदि बार बार दर्शन करे ला मिलते तो फिर और भी श्रद्धालु हमेशा दर्शन करे बार आते? आ सकते एक ही बार दर्शन करे ऐसा वो नहीं है, श्रद्धालु अपन इच्छा से हर साल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मंदिर जो है काकर माध्यम से खुलते, वैसे यहाँ के हो सकते हैं गायता या फिर कुछ गायता पटेल सब, मतलब एक समिति बनी है ओकर अंदर, मतलब पुजारी मन नियुक्ति करे गए हैं, मतलब हर एक से तो मन के माध्यम से खुलते हैं। तो संतान प्राप्ति पर, मतलब जो निसंतान रहते दंपति मन संतान प्राप्ति पर, मतलब मन के श्रद्धा। तो यहाँ पे अधिकतर संतान प्राप्ति करे बार अधिकतर दर्शन करे बार आते हैं। हाँ, तो ठीक है भैया, धन्यवाद आप मन ये जानकारी दिया। तो ये तो रही हमारे यहाँ के लोकल भैया मन से जानकारी, ये मन बताते रहे कि साल में एक ही बार खुलते और यहाँ पे वो श्रद्धालु मन आते हैं, ये मन संतान प्राप्ति करे बा। तो आप मन भी ऐसे कोई सज्जन ला जाना तो आप मन ये मंदिर के बारे में ज़रूर बताओ। वैसे तो मंदिर कल खुले लेकिन आज शुरुआती दिन है तो यहाँ सब काम चला था। ये है गाड़ी पार्किंग, बाइक पार्किंग। इधर भी बाइक। तो यहाँ है बहुत लंबा लाइन। तो हम आ गए हैं पीछे के रास्ता से जुगाड़ करके, काबर कि सामने साइड से आते रहें तो बहुत ज़्यादा लंबा लाइन रीस, तो पीछे साइड से का कुछ दिखा सकते हैं आप मन ला लेके चलते हैं थोड़े से और पास में। यहाँ देखो बहुत सारा भीड़ चढ़े हैं और आगे है मंदिर, इधर से दिखा पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा से। तो यहाँ पे बटत है फल, और ये देख सकते हो यहाँ पे नारियल मतलब तोड़ के फल वितरण करते हैं। और यहाँ पे है मंदिर जो कि मैं काली गला आ रहा हूँ, तो यहाँ से रास्ता बंद रही तो कल रात को खोले हैं, तो थोड़े से दर्शन हो ही गए। ये अंदर में है माँ लिंगेश्वरी माता और गुफा के अंदर। Yeah.
तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये देख सकते हो यहाँ श्रद्धालु जो कि लाखों की भीड़ में है, और यहाँ है लाइन, आप ये देख सकते हो यहाँ से है लाइन। यहाँ पे बना था प्रसाद भक्त मनबास, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ निसंतान दंपति है जो कि पूजा करे और आते हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में खीरा दिया जाता है, जो कि वो खीरा ला दो भाग करके, एक भागला पुरुष और एक भागला महिला खाना रहती है। तो ये रहे लंबी कतार, और ये तो ऊपर वाले रास्ता है, और आप मल्ला नीचे बहुत सारे और मिल ही। और वहाँ पे मंदिर जहाँ पे भक्त गणमन लंबी कतार के माध्यम से दर्शन करे बर जाते हैं।